subscribe and press the bell icon to never miss a video from News. पीएम मोदी की किसान सम्मान निधि रिश्वत की भेंट चढ़ती दिख रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की तहसील कलान से ऐसा मामला सामने आया है, जहां लेखपाल रूम सिंह अपने क्षेत्र ग्राम पंचायत पच देवरिया में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने लाभार्थियों के बीच गए तो धन उगाही करने लगे। क्या नाम है? मलिकान सिंह। कहाँ रहते हैं? पचदूरिया। क्या लेखपाल साहब क्या गड़बड़ कर रहे हैं? लेखपाल साहब ये कह रहे हैं कि जिसके नाम खेत है उसका फार्म नहीं भर रहे, जिसके नाम नहीं है उसके फार्म भर रहे, 100-100 रुपए मांग रहे। रिश्वत जी तो दे रहा है, उसका फार्म भरा जा रहा है। उसका फार्म भरा जा रहा है। क्या नाम? रामराज है। हम कह रहे थे पचदेवरिया में रहते हैं जी। हमसे जमीन हमारे नाम है, रामराज हमारा नाम है। हमसे 500 रुपए एक फार्म मांगा। हम 5 भाई हैं, 500 रुपए मांगे हमसे। हमने देने से इनकार किया तो कोई फार्म नहीं भरा जाएगा। काश्तकारों से लेखपाल रूम सिंह ने प्रति फॉर्म 100 रुपए की मांग की और जो घूस ना दी तो फॉर्म भरने से मना कर दिया। घूसखोरी की हद तो देखिए कि ग्रामीणों को उधार लेकर रुपए लेखपाल साहब को देने पड़ गए। क्या पैसा लिए आपने आपसे लेखपाल ने? तुमसे क्या रुपया लाए? 100 रुपया लाए। फार्म भर लिया? फार्म भरे। तुम्हारे पास पैसा थे? नहीं, हम 3 रुपए तो लाए, उधार लाए। जब ग्रामीणों ने पूछा कि फॉर्म भरने के पैसे तो लगते नहीं, तो लेखपाल साहब ने कहा कि ये पैसा तो वे पान पुड़िया के लिए ले रहे हैं। और तो और, जब लेखपाल रूम सिंह को बताया गया कि उनका वीडियो बन गया है तो लेखपाल साहब ने कहा कि हमारा तुम लोग क्या कर लोगे, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। न्यूज़ डेस्क।